कोरोना वायरस पर दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद शाहीन बाग में महिलाएं धरने पर अड़ी हुई है। हालांकि वो काफी डरी हुई भी हैं। इसको लेकर प्रदर्शनकारियों में काफी मतभेद भी सामने आए, यहां तक कि आपस में मारपीट भी हुई, लेकिन एक गुट लगातार धरने को लेकर अड़ा हुआ है। डर की वजह से सिर्फ चंद लोग ही धरने पर बैठ रहे हैं। अब महिलाओं ने अपनी रणनीति भी बदल ली है। अब महिलाओं ने बारी बारी धरने देने की रणनीति अपनाई है। नई रणनीति के तहत महिलाएं एक बार में सिर्फ 5 ही धरने पर बैठेंगी, जबकि अगली शिफ्ट में नई 5 महिलाएं उनकी जगह लेगी। इस बीच लखनऊ से खबर है कि यहां पर धरना टाल दिया गया है। वहां पर यह निर्णय कोरोना के खौफ के चलते लिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले रविवार सुबह पेट्रोल पंप से यहां पर हमला भी हुआ था, जिससे यहां लगे कुछ बैनर, दरी और लकड़ी का सामान चल गए थे। हालांकि हमले में कोई घायल नहीं हुआ था। सीसीटीवी में बाइक पर एक आरोपी कैद हुआ है। कुछ लोगों ने हमलावर को देखा भी है और उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। रोड पर कांच की कई बोतलें टूटी मिली थी और कुछ सामान जला हुआ। अब इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये कौन था और उसका मकसद क्या था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।